नमस्कार भैया बहन, मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आप सभी को क्लास थर्ड के कंप्यूटर के इस क्लास में स्वागत करता हूं। कल हम लोग कंप्यूटर्स फैमिली चैप्टर थ्री के कंप्यूटर्स फैमिली में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड में हम लोग कल कैप्स लॉक की तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसमें स्पेस बार की को पढ़ेंगे और कीबोर्ड के कुछ पार्ट छूटे हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर माउस पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात आज हम लोग इनपुट पार्ट को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें है आज हम लोग पढ़ेंगे बैक स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस की में क्या है हम लोग इसको समझें। दिस की इज लेबल्ड विथ बैक स्पेस और ए लेफ्ट एरो इज लाई अबव द इंटर की, व्हेन प्रेस्ड इट मूव्स द कर्सर इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इरेजेज द कैरेक्टर व्हिच कम्स ऑन इट्स अवे। बैक स्पेस की के बारे में कह रहा है, यह देखिए ये हमारा बैक स्पेस की है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, बैक स्पेस की है। इसमें स्पष्ट कह रहा है कि यह हमारा बैक स्पेस की कहाँ रहता है, लेफ्ट एरो के जैसा। ये लेफ्ट एरो दिख रहा है ना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, तो लेफ्ट एरो ठीक है ना के जैसा ये होता है। और ये ऊपर में क्या, इसके ऊपर इंटर जो हमारा की है उसके ऊपर में यह रहता है। और इसको यदि हम प्रेस करते हैं, यदि इसे हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा कर्सर ऊपर जो कीबोर्ड जो मॉनिटर पर हमारा कर्सर दिखता है वह किधर से, कर्सर हमारा मूव होता है, कैसे होता है, बैकवर्ड साइड में मूव होता है, डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड में नहीं, बैकवर्ड साइड में। चूँकि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में है, अर्थात हम बैकवर्ड कर सकते हैं या फिर हम लेफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा यह कर्सर घूमते रहता है, मूव करता है, और जितने भी उस पर लेटर लिखे हुए होते हैं वह सब हमारा क्या होते हैं, डिलीट होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से भैया बहन बैक स्पेस की को हम अच्छी तरह से समझ गए कि बैक स्पेस की हमारा एक लेफ्ट एरो के जैसा, लेफ्ट एरो के जैसा सिंबल होता है, उस पर बैक स्पेस की लिखा हुआ होता है और यह इंटर की के ऊपर होता है। इसका इस्तेमाल हम लेफ्ट साइड में लेटर, एक एक लेटर को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए हम इस बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया बहन। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा डिलीट की है, ठीक है। तो डिलीट की का भी इस्तेमाल वही होता है, बैक स्पेस और डिलीट की दोनों की का इस्तेमाल हम लोग किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसे बैक स्पेस की से अभी हम लोग क्या पढ़ें कि लेफ्ट साइड में किसी भी लेटर को डिलीट करते हैं। चलिए अब डिलीट की के बारे में पढ़ते हैं कि डिलीट की से हम क्या करते हैं। द दिस की इज जनरली प्लेस टुवर्ड राइट साइड। अब ये हमारा बैक स्पेस की लेफ्ट साइड में जा रहा था ना, अब ये हमारा किस जाएगा, राइट साइड में जाएगा, ठीक है ना, ये राइट साइड में जाएगा। व्हेन प्रेस इट अरेंज द कैरेक्टर दैट कम्स आफ्टर द कर्सर, ठीक है ना। और देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है, बैक स्पेस और डिलीट की दोनों एक दूसरे का अपोजिट करता है। डिलीट की जो है हमारा राइट साइड की तरफ जाता है और बैक स्पेस की हमारा लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। अर्थात डिलीट की में हम आसानी से समझ गए होंगे बैक स्पेस की के अनुसार कि डिलीट की हमारा क्या करता है, डिलीट की हमारा जहाँ पे भी हो कर्सर, उस डिलीट की को कर्सर जहाँ भी हमारा स्क्रीन पे हो डिलीट की को हम प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर राइट साइड के तरफ जाता है, ठीक है ना। और हमारा उधर का जितना भी लेटर हो वह रिमूव होते चला जाता है, ठीक है भैया बहन। तो इस तरह से हमने कीबोर्ड के जितने भी फंक्शन थे उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारा की होता है, टैब की होता है, कंट्रोल की होता है, ऑल्ट की होता है, एंड की होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे डिफरेंट फंक्शन हैं, ठीक है, कीज है जिसका इस्तेमाल हम सब जानते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आगे किस क्लास में चल के आप इसको बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको हमने एक बार इसको बता दिया। चलिए अब चलते हैं माउस। तो देखिए भैया माउस में क्या है, माउस में है
माउस में कुछ नहीं है, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, उसी तरह माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और माउस के माध्यम से भी हम किसी डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं या इंटर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए माउस कैसे है, इट इज एन हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यह हमेशा हाथ से पकड़ने वाला डिवाइस होता है, ठीक है ना। माउस हमेशा हाथ से पकड़े हुए और मूव करने वाला डिवाइस होता है। इट हेल्प सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, और यह डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस क्या करता है, स्क्रीन पर किसी भी आइटम को, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वह सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू ड्रॉ एंड मूव, और वह क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल, माउस का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना, या किसी पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, स्क्रीन पर हम या तो डिलीट करने के लिए या फिर उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए, अब कह रहा है हाउ टू यूज द माउस, माउस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो माउस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे भैया, अब हम तो देखिए माउस में हमारा, माउस के पार्ट को पढ़ें तो माउस मेनली हमारा थ्री पार्ट में होता है, दो पार्ट में एक लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट होता है, और बीच में एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए हम इसको भी समझ लें, प्लेस द फोरहेड फॉर हैंड ओवर द माउस, होल्ड द माउस बाई पुटिंग योर पाम एंड ऑन द बॉडी ऑफ द माउस सच दैट द इंडेक्स फिंगर इज ऑन द लेफ्ट बटन एंड मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन, ठीक है। मूव द माउस स्लोली ओवर द टेबल और ओवर द माउस पैड, ठीक है ना। कह रहा है कि माउस हमारा क्या होता है, माउस में मेनली थ्री पार्ट होते हैं, माउस को जब हाथ से ऐसे पकड़ते हैं तो उसमें दो इस्तेमाल किया जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है, ठीक है ना। अब उसको माउस को पकड़ के हम टेबल पर या माउस पैड पर उसको मूव कराते हैं, ठीक है ना। व्हेन यू मूव द माउस, जब माउस हमारा टेबल पर या माउस पैड पर मूव करता है तो द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार ही हमारा क्या होता है, पॉइंटर जो कर्सर होता है हमारा स्क्रीन पे, अर्थात उसको पॉइंटर के रूप में कहिए, वो हमारा क्या होता है, मूव होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है पॉइंटिंग के रूप में कि पॉइंटिंग क्या है, तो देखिए पॉइंटिंग मीन्स टू मूव द माउस पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड प्लेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है, जैसे हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, वैसे हम उसको माउस के माध्यम से मूव करते हैं। क्लिक का देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखा रहा है, माउस को पकड़े हुए हैं, जैसे जैसे रिक्वायर्ड है वैसे वैसे हम उसको मूव करते हैं। क्लिक मीन्स द प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस व्हेन वंस एंड द रिलीज इट क्विकली टैपिंग वंस इट हेल्प्स, यहाँ कह रहा है कि क्लिक का मतलब क्या होता है, क्लिक का मतलब होता है दबाना, क्लिक का मतलब क्या होता है, दबाना, प्रेस करना, ठीक है ना। तो क्लिक का मतलब होता है कि माउस में जैसे दो बटन है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो क्लिक का मतलब है कि यदि हम लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को एक बार में प्लेस, एक बार में क्लिक करते हैं तो उसका मतलब है कि रिलीज द क्विकली टैपिंग वंस, ठीक है ना, एक ही बार में उसको हम क्लिक करते हैं। तो इट हेल्प द सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट लाइक, अर्थात स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो भी कुछ आइटम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम मूव करके उस ऑब्जेक्ट पर ले जाएं माउस के पॉइंटर को, और माउस के लेफ्ट बटन को एक बार यदि हम क्लिक करें, ठीक है ना, तो हमारा आइकन क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से डबल क्लिक का मतलब है, इट मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस twice in a quick repetition of start open an application after placing the mouse pointer on that item, अर्थात कह रहा है कि माउस के जिस पार्ट को माउस के लेफ्ट बटन से स्क्रीन पर पॉइंटर के माध्यम से जिस ऑब्जेक्ट को या जिस आइकन को हमने एक बार प्लेस कर सेलेक्ट किया था, उसी को कह रहा है यदि उसी
माउस के लेफ्ट बटन को स्क्रीन पे पॉइंटर के माध्यम से किसी आइटम को खोलना हो या किसी ऑब्जेक्ट को खोलना हो या आइकन को खोलना हो तो उसी माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्विक क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो ऑब्जेक्ट खुल जाएगा, अर्थात स्क्रीन पर जो हमारा आइकन दिखेगा जो वो हमारा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है ना, दो बार में खुल जाएगा। उसी तरह से एक बार में सिलेक्ट होगा और दो बार में खुलेगा। अब राइट क्लिक, इट मीन्स टू प्रेस द राइट बटन ऑफ माउस एंड रिलीज इज क्विकली, इट हेल्प्स टू ओपन शॉर्टकट ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू, ठीक है। अब राइट क्लिक कह रहा है कि राइट क्लिक का मतलब होता है प्रेस द राइट बटन, ठीक है ना। राइट बटन को यदि हम क्लिक करते हैं, माउस के राइट बटन को हम क्लिक करते हैं और रिप्लेस करते हैं क्विकली, तो इट हेल्प, तो ये क्या करता है, मदद करता है ओपन शॉर्टकट, शॉर्टकट को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है भैया बहन किसी भी चीज़ को मूव करना, अर्थात माउस के माध्यम से पॉइंटर को हम किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी आइकन पर ले जाकर रखें और उसको सेलेक्ट करके, ठीक है ना, और ड्रैग करें, माउस को मूव करें, ठीक है ना, तो हमारा आइकन क्या होगा, स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा, मूव होगा, तो हम मूव होते हुए दिखेगा ना, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। अर्थात आसान हम कह सकते हैं कि माउस के बटन से क्लिक करके पॉइंटर के माध्यम से स्क्रीन पर किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यह हम ड्रैग के माध्यम से करते हैं। तो भैया बहन मुझे लगता है कि आज का क्लास हमारा माउस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसीलिए आज माउस तक ही मैं रहने देता हूँ, सीपीयू को कल पढ़ाऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भैया बहन इसे बढ़िया से समझ लिए होंगे और इसे बढ़िया से बुक देखकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। नमस्कार।